सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नीट टिप्स एंड ट्रिक्स। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 3 वीडियो ऑफ डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। तो लास्ट पार्ट में हमने डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पे छोड़ा था, तो आज हम डाइजेशन ऑफ फूड को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो डाइजेशन ऑफ फूड है वो हमारी ऑरल कैविटी से स्टार्ट होती है, मतलब हमारी माउथ के बाद हमारी ऑरल कैविटी। हमने वो वाले में देखा था, यहाँ पे हमने देखा था कि हमारी जो माउथ है, माउथ के बाद हमारी ऑरल कैविटी, तो यहाँ से हमारी डाइजेशन स्टार्ट होती है। तो मेनली इसके दो फंक्शंस है, एक है तुम्हारे मस्टिकेशन करना फूड का, इस पार्ट का, और दूसरा है तुम्हारी स्वेलिंग ऑफ द फूड। सो मस्टिकेशन और स्वेलिंग, इस दोनों के लिए हमें चाहिए टिथ और टंग। इसके बाद जो हमारी सलाइवा में जो म्यूकस रहती है वो मस्टिकेटेड फूड को एक बोलस में कन्वर्ट करती है, जो हमारी फेरिंग्स से होते हुए ईसोफेगस तक जाती है। अभी फेरिंग्स एक्चुअली एक कॉमन पैसेज होता है फूड के लिए भी और एयर के लिए भी, तो यहाँ पे मैंने ट्रैकिया एक्चुअली बनाया था कि फेरिंग्स एक कॉमन पैसेज है फूड के लिए और एयर के लिए, मतलब फेरिंग्स से अगर हम लैरिंग्स और एयर, मतलब लैरिंग्स में फिर ट्रैकिया में चले जाए तो ये एयरवे का पैसेज हो गया, और ईसोफेगस में फूड का पैसेज। तो बेसिकली जब हम स्वेलो करते हैं तब जो एपिग्लॉटिस नाम का एक कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है जो एंट्री ऑफ फूड इनटू द ग्लॉटिस मींस लैरिंग्स को प्रिवेंट करता है, ठीक है, और ये फेरिंग से ईसोफेगस जाता है। फिर ईसोफेगस से स्टोमक में कुछ मस्कुलर कंट्रैक्शंस होती है जिसकी वजह से फूड आगे, बस ईसोफेगस से स्टोमक जाता है, पीछे नहीं जाता, ठीक है, रिवर्स गियर नहीं होता, ये सामने से ऐसे सामने तरफ जाता है कुछ मस्कुलर कंट्रैक्शंस की वजह से, जिसको हम बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस, ठीक है। तो और जो जब स्टोमक में जाएगा, हमने पढ़ा था स्टोमक में यहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है, इसको हम बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर करके, जो स्टोमक से ड्यूडेनम में खुलता है, ठीक है, स्टोमक से ड्यूडेनम में पैसेज को रेगुलेट करता है। और एक होता है गैस्ट्रो इसोफिजियल स्फिंक्टर, स्टोमक का दूसरा नाम हम बोल सकते हैं गैस्ट्रिक, तो गैस्ट्रो इसोफिजियल स्फिंक्टर जो ईसोफेगस से स्टोमक में फूड खुलने को रेगुलेट करता है, गैस्ट्रो इसोफिजियल स्फिंक्टर, ठीक है। और अभी हम ओवरऑल सलाइवा की बात करें, हम पहले ही हम पढ़ चुके थे कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें हम सलाइवा को पढ़ चुके थे कि सलाइवा सेक्रेट होता है। सलाइवा कहाँ से आता है? सलिवरी ग्लैंड से, जो आउटसाइड द बकल कैविटी रहते हैं, लेकिन सलाइवा सेक्रेट करता है इनटू द बकल कैविटी। तो ये जो सलाइवा है इसमें हमारे रहेंगे कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कुछ कैटायंस रहेंगे, कुछ एनायंस रहेंगे। कैटायंस में मेनली मेजर कैटायंस सोडियम पोटेशियम होते हैं, और एनायंस में मेजर वाला एक होता है क्लोराइड और दूसरा होता है बाइकार्बोनेट। तो ऐसे ही कुछ और भी होंगे लेकिन ये मेजर है, ये चार इलेक्ट्रोलाइट्स मेजर इलेक्ट्रोलाइट्स में आते हैं। इसके बाद आएंगे कुछ एंजाइम्स भी टू टाइप्स के हैं, एक है सेलिवरी एमाइलेस और एक है लाइसोजाइम। तो बेसिकली जो लाइसोजाइम है वो एंटीबैक्टीरियल एजेंट की तरह काम करता है, एंटी बैक्टीरियल एजेंट, मतलब ये इन्फेक्शंस को फाइट करता है, ठीक है, फाइट्स इन्फेक्शंस और लाइक दैट। और अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो इसके बारे में पढ़ने से पहले हम बोलते हैं हम डाइजेशन मेनली हम किसकी देखेंगे, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट की। तो जो हमारी जो डाइजेशन है, अगर हम माउथ के रिस्पेक्ट पे देखें तो माउथ में हमारा कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन होगा सेलिवरी एमाइलेज से। एमाइलेज जब भी वर्ड आएगा तो ये कार्ब से रिलेटेड होगा, मतलब कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड होगा, अगर एमाइलेज वर्ड में दिखे तो। माउथ में तुम्हारी सबसे पहले डाइजेशन होगी किसकी, कार्बोहाइड्रेट की, जैसे कि स्टार्च बोलो, वो इन द प्रेजेंस ऑफ सेलिवरी एमाइलेज, जिसको हमें हल्का एसिडिक पीएच ऑलमोस्ट ऑफ 6.8 देना पड़ेगा, तो जाके ये डाइसेक्राइड कॉल्ड मेल्टोस में ब्रेक होगा। स्टार्च क्या है, एक पॉलीसेक्राइड है, आई थिंक केमिस्ट्री पे हम पढ़ भी चुके होंगे। सो स्टार्च एक पॉलीसेक्राइड है, ये एक डाइसेक्राइड में ब्रेक डाउन हो जाएगा सेलिवरी एमाइलेज पीएच 6.8। तो ये होगा हमारा कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन। अभी जो प्रोटीन का डाइजेशन वो माउथ में स्टार्ट नहीं होता, इट डजंट अकर इन द माउथ, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। और इवन फॉर फैट, हालांकि इनसीडी में फैट के लिए कुछ नहीं दिया है, लेकिन फैट
बहुत कम ही एक्चुअली, एक लिंगुअल लाइपिस होता है जो हमारे माउथ में सिक्रीट होता है। एंड लिंगुअल लाइपिस कहाँ से, ऑब्वियसली लिंगुअल ग्लैंड से सिक्रीट होता है, एक सलीवरी ग्लैंड है। अब हम, ये है हमारी माउथ वाली डाइजेशन। अगर हम ये अभी चलेंगे कहाँ, माउथ से इसोफेगस तक गया, अभी कहाँ जाएगा, स्टमक पे। तो इसके बाद हम जाके देखेंगे डाइजेशन इन द स्टमक। तो स्टमक पे हमारी क्या क्या डाइजेशन होगी, हमारे स्टमक पे हम पहले देखेंगे जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो स्टमक पे वैसे उतना नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट्स जनरली स्टार्च 30% कितने परसेंट हो जाता है, ये वाला पोर्शन 30% यहाँ पे डाइजेस्ट हो जाता है। और इसके बाद ये स्टमक में कार्बोहाइड्रेट का इतना रोल नहीं होता। स्टमक में हम चलेंगे मेनली प्रोटीन्स। तो हाँ, पहले प्रोटीन से पढ़ने के पहले हम जानेंगे कि स्टमक की जो म्यूकोसा है, हमने पहले कुछ लेयर्स देखे, चार लेयर्स देखे थे हमने प्रीवियस वीडियो में, सीरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा, है ना। तो जो म्यूकोसा है ऑफ स्टमक, म्यूकोसा ऑफ स्टमक, इसमें तीन तरह के सेल्स होते हैं। एक होते हैं म्यूकस नेक सेल्स जो म्यूकस सिक्रीट करते हैं, एक होते हैं पेप्टिक और चीप सेल्स जो पेप्सिनोजन सिक्रीट करता है, एक प्रो एंजाइम है, और तीसरा है हमारी ऑक्सिंटिक और पैराइटल सेल्स जो सिक्रीट करते हैं HCL प्लस इंट्रिंसिक फैक्टर। सो जो इंट्रेंसिक फैक्टर, जिसको हम कसल्स इंट्रेंसिक फैक्टर भी बोलते हैं, ये मेनली हेल्प करता है इन द अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। ठीक है। और अगर ये विटामिन B12 का अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाया तो एक कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं परनिशियस एनीमिया। हालांकि नहीं दिया है, बस जान ले सकते हो कि अगर अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 नहीं हो पाया तो इट विल रिजल्ट इन एनीमिया, विच इज नोन एज परनिशियस एनीमिया। ओके, तो अभी हम बात करते हैं स्टमक में जो फूड है वो 4 to 5 hours के लिए स्टोर होता है, ठीक है। तो अभी जो पेप्सिनोजन है, ये इस HCL के प्रेजेंस में ये पेप्सिनोजन जो है वो बेसिकली इनएक्टिव है, जो इन द प्रेजेंस ऑफ HCL कन्वर्ट हो जाता है इनटू पेप्सिन, विच इज़ अ एक्टिव प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जो प्रोटीन का प्रोटियोलाइटिक मीन्स प्रोटीन का लाइसिस करता है, स्प्लिट करता है, ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। तो ये हो गया इन तीनों का रोल। और म्यूकस क्या करता है, जो म्यूकस नेक्स्ट सेल्स जो म्यूकस सिक्रीट करते हैं, अभी HCL है और जो pH है ना वो यहाँ पे होता है 1.8 जो काफ़ी हाईली एसिडिक है। तो ताकि हमारे जो म्यूकोसल एपिथीलियम्स है वो डैमेज ना हो, तो इसके लिए हमारी म्यूकस सिक्रीट होती है, प्लस कुछ बायकार्बोनेट्स रहते हैं, ठीक है। और प्लस ये तो ये होता है इनका रोल। और इसके अलावा एक दूसरा एक प्रोटियोलाइटिक है जिसको हम बोलते हैं रेनिन। हालांकि रेनिन हम में नहीं, ये मेनली इन्फेंट्स में सिक्रीट होता है, इन्फेंट्स में फॉर द डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन्स। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि देखो इसका स्पेलिंग अगर देखो RENNIN है। और इसमें मैं क्यों हाईलाइट कर रही हूँ, बिकॉज एक RENIN वाला रेनिन होता है जो किडनी में रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म RAS सिस्टम में इसका रोल होता है। तो इसको और इसको ये दोनों डिफरेंट है, RENNIN वाला और RENIN सिंगल NIN वाला, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सो ये हो गया हमारी प्रोटीन वाली पार्ट ऑफ क्या बोलते हैं स्टमक। तो हमने पहले माउथ वाला देखा, पहले हमने माउथ देखा, इसके बाद हमने स्टमक देखा। स्टमक में मेनली हम प्रोटीन्स को देख रहे थे और कुछ कुछ लाइपेसिस भी होते हैं, गैस्ट्रिक लाइपेसिस जो स्टमक में होते हैं, लेकिन ये काफ़ी स्मॉल अमाउंट्स में होते हैं, ठीक है। तो इसमें स्टमक में मेन रोल प्रोटीन का ही होता है और कार्ब का भी नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद हम जा रहे हैं इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी अगर हम अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन पे देखें, तो एक तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो मस्कुलरिस लेयर है
उसमें वेरियस टाइप ऑफ मूवमेंट्स होते रहते हैं मस्कुलर लेयर में, जो फूड को जो सेक्रीशंस है स्मॉल इंटेस्टाइन इसमें मिक्स करने में मदद करती है, ठीक है। और अभी हम देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या सेक्रीट होते हैं। तो मेनली तीन चीज़ें सेक्रीट होती है, एक है बाइल, एक है पेनक्रियाटिक जूस, और सेक्रीट होती है इंटेस्टिनल जूस जिसको हम बोलते हैं सक्कस एंटेरिकस। तो एक्चुअली सक्कस एंटेरिकस जो इंटेस्टिनल जूस है वो कैसे बनता है, वो मीनली द सेक्रीशंस ऑफ ब्रश बॉर्डर सेल्स जो ऑफ द एपिथीलियम जो इंटेस्टाइन में होता है, इससे प्लस द सेक्रीशंस ऑफ गॉबलेट सेल्स। गॉबलेट सेल्स एक्चुअली इंटेस्टाइन में जो म्यूकस सेक्रीट करते हैं ना, हम उसको बोलते हैं, जैसे म्यूकस नेक सेल्स म्यूकस सेक्रीट करते हैं स्टोमक, वैसे गॉबलेट सेल्स म्यूकस सेक्रीट करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इन दोनों के सेक्रीशन से ये सक्कस एंटेरिकस जिसको हम इंटेस्टिनल जूस भी बोलते हैं ये सेक्रीट होता है। ये तो ये तीन चीज़ें हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में सेक्रीट होती है डाइजेशन के लिए। और स्मॉल इंटेस्टाइन में एक्चुअली मेजर जो सब्सटेंसेस होते हैं वो डाइजेस्ट होते हैं, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। अभी हम देखेंगे कि किसका क्या एक्शन है। तो पहले हम अगर स्टेप बाय देखें कि प्रोटीन्स कार्ब्स एंड इसका क्या एक्शन है, तो मेनली जो अभी हाँ जो बाइल और पेनक्रियाटिक जूस है इतना तो समझ आ रहा है, जो कॉमन हमने हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट देखा था वहाँ से आ रहा है, कॉमन हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट ये वाला हमने यहाँ पे पढ़ा भी था कि जो बाइल डक्ट और पेनक्रियाटिक डक्ट मिलके बना रहा है कॉमन हेपेटिक पेनक्रियाटिक डक्ट। तो ये कॉमन हेपेटिक पेनक्रियाटिक डक्ट जो ड्यूडेनम रीजन है ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन वहाँ पे खुल देगा, और ऐसे बाइल और पेनक्रियाटिक जूस यहाँ पे मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रहा है। अभी हम अगर डाइजेशन को स्टेप वाइज देखें तो जो पेनक्रियाटिक जूस है इसमें मेनली पेनक्रियाटिक एमाइलेज होता है कार्ब्स के डाइजेशन के लिए, पेनक्रियाटिक एमाइलेज, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का अगर हम देख रहे हैं तो पेनक्रियाटिक एमाइलेज क्या करेगा, जो कार्बोहाइड्रेट्स है जो पॉलीसेकेराइड्स है उसको तोड़ देगा इनटू द डाइसेकेराइड्स। पेनक्रियाटिक एमाइलेज पोली वाले को डाइसेकेराइड्स में ब्रेक कर देगा, और जो इंटेस्टिनल जूस है वो हमेशा मतलब ये एकदम लास्ट में एक्ट करता है ताकि सबसे ज़्यादा सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स में ब्रेक कर पाए, ठीक है। तो ये लास्ट में एक्ट करता है। तो यहाँ पे मेनली पेनक्रियाटिक जूस के पेनक्रियाटिक एमाइलेज एक्ट करेंगे, बाइल का इसके में कोई रोल नहीं है कार्ब्स में। अभी फिर इंटेस्टिनल जूस एक्ट कर लेगा और ये जो डाइसेकेराइड्स हैं वो मोनोसेकेराइड्स में ब्रेक हो जाएंगे थ्रू इंटेस्टिनल जूस या सक्कस एंटेरिकस बोलो, ये मोनोसेकेराइड्स में ब्रेक हो जाएंगे, जैसे कि मेल्टोस का मेल्टिस एंजाइम जो इंटेस्टिनल जूस में रहता है इसके मदद से ग्लूकोज में टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, फिर लैक्टोस का लैक्टेस की हेल्प से ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, फिर सुक्रोज ब्रेक होता है इनटू ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ये सब एनसीईआरटी में भी दिया है तो वो वाला देख लेना, इट्स इम्पॉर्टेंट। तो ये हमारी हो गई कार्ब्स ऑफ कार्ब्स की डाइजेशन कंप्लीट। इसके हम बात जाएंगे हम प्रोटीन्स पे। तो प्रोटीन्स पे हमारे पेनक्रियस में पेनक्रियाटिक जूस कुछ सेक्रेट करते हैं, जैसे ट्रिप्सिन ट्रिप्सिनोजन काइमोट्रिप्सिनोजन वगैरह सेक्रेट करते हैं, और जो ट्रिप्सिनोजन है वो एंटरोकाइनेस नाम के एक एंजाइम जो हमारे इंटेस्टिनल म्यूकोसल सेल से सेक्रेट करते हैं इससे क्या होता है एक्टिवेट हो जाता है इनटू ट्रिप्सिन। तो पहले तो ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन में एक्टिवेट हो जाएगा थ्रू एंटेरोकाइनेस। इसके बाद ये जो ट्रिप्सिन है ये बाकी जो एंजाइम से जैसे प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज या काइमोट्रिप्सिनोजन इन सबको काइमोट्रिप्सिन कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में कन्वर्ट कर देगा, मीन्स एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। पहले ट्रिप्सिन एक्टिवेट हो जाएगा एंटेरोकाइनेस की हेल्प से ट्रिप्सिनोजन से, फिर ये बाकी एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देगा, और फिर जाके ये जितने भी एंजाइम्स हैं सारे एंजाइम्स ही देख लेना, बस मैंने ट्रिप्सिन का एग्जाम्पल लिया है, सारे ब्रेक डाउन कर देंगे प्रोटीन्स को इंटू
डाइपेप्टाइड्स, ठीक है। तो इसके बाद जो डाइपेप्टाइड्स है, इंटेस्टिनल जूस इसमें ऐड करेगा। इंटेस्टिनल जूस, मैं आईजी से इंटेस्टिनल जूस को समझा रही हूँ, इसमें ऐड करेगा। फिर इसको फाइनली जो एमिनो एसिड्स हैं, एमिनो एसिड्स इसमें ब्रेक करेगा। तो इसको इंटेस्टिनल जूस बोल सकते हो, या मोर स्पेसिफिकली इंटेस्टिनल जूस तो ओवरऑल सक्कस एंटेरिकस को बोलते हैं ना, मोर स्पेसिफिकली इसको हम डाइपेप्टाइडेज भी बोल सकते हैं, डाइपेप्टाइडेज, ठीक है, जो आ तो इंटेस्टिनल जूस ही रहा है। तो ऐसे हम पढ़ेंगे प्रोटीन्स का, कार्ब्स और प्रोटीन्स हो गया। अभी हम फैट पे जाते हैं, फैट्स। तो फैट्स में एक तो पेनक्रियाटिक लाइपेज होगा ही, नो डाउट, पेनक्रियास से नहीं होगा, यहाँ पे मेनली बाइल का रोल आता है। फॉर फैट्स द मेन पर्पस इज ऑफ बाइल। तो बाइल में बहुत कुछ होता है, जैसे बाइल पिगमेंट्स हो गए, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, फिर बाइल सॉल्ट्स हो गया, कोलेस्ट्रॉल होता है, फॉस्फोलिपिड्स होता है, लेकिन कोई एंजाइम नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट है कि कोई एंजाइम्स नहीं होता, बाइल डजन कंटेन इन एंजाइम्स, इट कंटेन्स बाइल पिगमेंट्स लाइक बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, बाइल सॉल्ट्स, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड्स। और बाइल का फंक्शन क्या होता है, एक होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स या लिपिड्स, ताकि इसको ब्रेक डाउन कर सके इंटू वेरी स्मॉल मिसल्स में। मिसल्स मतलब ऐसे ऐसे करके कुछ होगा, ऑलमोस्ट सर्कुलर से बना देगा, जहाँ पे जो आउटर जो कोर होता है वो होता है हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, और अंदर में जो होता है वो होता है हाइड्रोफोबिक, फोबिक मतलब वाटर हेटिंग, हाइड्रो मीन्स वाटर एंड फोबिक मीन्स फोबिया है, इसमें इससे दूर रहना चाहता है, हाइड्रोफोबिक। तो ऐसे कुछ बना देगा। फिर इसमें बहुत सारे लाइपेज वगैरह भी होते हैं, मतलब लाइपेज को भी एक्टिवेट करने का काम करते हैं। और इसके बाद फाइनली अगेन इंटेस्टिनल जूस, इसके बाद बाइल का कंप्लीट हो गया, पेनक्रियास का रोल नहीं है, इसके बाद फिर से इंटेस्टिनल जूस का रोल आ जाएगा, जो जो ब्रेकडाउन हो गया था फैट्स का लाइपेज की हेल्प से, डाइग्लिसराइड्स जैसे, ये फिर जाएंगे मोनो में, फिर इससे फाइनली ब्रेकडाउन हो जाएगा इंटू फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल। तो ऐसे ओवरऑल पूरी डाइजेशन हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में मेनली डुओडेनम पार्ट में कंप्लीट हो जाएगी। फिर जो जेजुनम और इलियम है इसमें एब्जॉर्प्शन होगा, और इसके बाद जो अनअब्जॉर्ब जो सब्सटेंसेस रहेंगे वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में जाएंगे। तो लार्ज इंटेस्टाइन में हमारी अनअब्जॉर्ब सब्सटेंसेस जाएंगी, और जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसका मेन फंक्शन क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेस्टिव एक्टिविटी नहीं होती सिग्निफिकेंट, इसमें मेनली मोस्ट ऑफ द वाटर अब्जॉर्ब होती है, वाटर, मोस्ट ऑफ द वाटर, देखो ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स आर अब्जॉर्ब्ड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, बट मोस्ट ऑफ द वाटर, फिर कुछ सम ड्रग्स बोलो, मिनरल्स बोलो, एक्सेट्रा, ये लार्ज इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब होंगी, अब्जॉर्ब्ड होती है। और तुम्हारी डिफिकेशन के लिए फीसिस बनता है, ठीक है, कुछ म्यूकस सेक्रेट होते हैं जो वेस्ट को एडहेयर कर लेते हैं और फीसिस बनाते हैं। तो अनडाइजेस्टेड जो सब्सटेंसेस होते हैं उसको हम फीसिस बोलते हैं, फीसिस, जो फाइनली जो लार्ज इंटेस्टाइन है, या पहले तो ये इलियम से सिकम में जाएगा, इलियोसिकल वल्व से, जो बैक फ्लो को प्रिवेंट करती है। तो यहाँ पे एक वल्व रहेगा, ठीक है, इलियोसिकल वल्व बोलते हैं हमको, वल्व हमेशा बैक फ्लो को प्रिवेंट करेगा, कि ये एक यूनिडायरेक्शनल जो फ्लो है, मतलब इलियम से सिकम, इसको मेंटेन करने के लिए बैक फ्लो को प्रिवेंट करेगा। फिर जो फीसिस बनेगा ये लुब्रिकेट होगा लार्ज इंटेस्टाइन में, एडहेयर होगा, होते 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 फाइनली रेक्टम में जाके स्टोर्ड हो जाएगा टिल द डिफिकेशन फ्रॉम एनस। सो ऐसे हमारे जो प्रोसेस है ओवरऑल ऑफ डाइजेशन ये कंप्लीट होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एब्जॉर्प्शन और जो डिसऑर्डर्स और छोटे मोटे टॉपिक्स है इसका कंप्लीट करके ओवरऑल जो डाइजेस्टिव जो डाइजेशन एब्जॉर्प्शन जो चैप्टर है इसको हम कंप्लीट करने वाले हैं। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, तो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही रखती हूँ, बाय बाय।